इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स होते हैं जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो कैपेसिटर है उसका फंक्शन होता है कि वो एनर्जी को जो है स्टोर करता है और अपने अंदर उस वक्त तक स्टोर रखता है जब तक कि हम इसे इस्तेमाल नहीं कर लेते। हम जब किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ लगाते हैं तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और वो चार्जिंग उसके अंदर स्टोर रहती है। जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उस कैपेसिटर को उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जहाँ हमें ज़रूरत हो हम वहाँ लगा के अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं, एनर्जी की जो ज़रूरियात है उन्हें पूरी कर लेते हैं। जैसे कि मैं इस तरह से कहती हूँ कि मेरे पास इस तरीके से एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर की अमूमन तो कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से होती है जिस तरह के ये कैपेसिटर्स बने हुए हैं। इस तरीके से बेसिकली कैपेसिटर्स हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर एनर्जी किस तरीके से स्टोर होती है उसे देखने के लिए हम इस तरीके से इसकी डायग्राम बना लेते हैं कि ये चूँकि दो प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है, इन दोनों प्लेट्स को हम लोग जो है बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एक जो है प्लेट उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और यहाँ पर इस तरीके से हम एक स्विच भी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा कि इस तरीके से मैं यहाँ पर एक स्विच यूज़ कर लेती हूँ, इस तरीके से ये हमारे पास एक स्विच है और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है चूँकि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है चूँकि ये एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। अब जब हम लोगों ने स्विच जो है बिल्कुल ओपन छोड़, अगर इस तरीके से तो हमारा स्विच क्लोज है ना, अगर मैं ये कहूँ कि हमारी बैटरी 6 वोल्ट की है और हमारा स्विच कुछ इस तरीके से है, ये बिल्कुल क्लोज है, तो उस सिचुएशन में हमारे यहाँ पर जो चार्ज है वो ज़ीरो होगा। बैटरी चूँकि वोल्टेज ही इन प्लेट्स को नहीं देगी तो चार्जिंग जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ टाइम टी गुजरने के बाद मैं इस स्विच को यहाँ से उठा के यहाँ पर लगा के कनेक्ट कर दूँ, इस तरीके से स्विच जो है वो क्लोज कर दूँ, तो अब जो है वो इसमें चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी प्लेट्स के अंदर, क्योंकि अब इन्हें वोल्टेज मिलता चला जा रहा है और वोल्टेज के प्लेट्स पर जाने ट्रांसफ़र होने से इन पर जो है चार्ज क्यू स्टोर होता चला जाएगा। प्लेट पर इस तरफ पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा और इस तरफ नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। लेकिन इनिशियल स्टेट में जब हमारा टाइम ज़ीरो होता है, टाइम टी ज़ीरो होता है, स्विच हमारा ओपन होता है, तो उस सिचुएशन में हमारी प्लेट्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता क्योंकि उस सिचुएशन में बैटरी जो है वो कोई भी वोल्टेज प्लेट्स को नहीं देती। यानी कि मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि जब मेरा टाइम टी जो है वो ज़ीरो है, बैटरी का जो स्विच है वो ओपन है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर जो वोल्टेज है V1, इसे ऐसे कर लीजिए कि V1 वोल्टेज जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, और ऐसा ऐसा जैसे ही मैं इस स्विच को जोड़ती हूँ तो कुछ टाइम टी गुजरने के बाद इस बैटरी से वोल्टेज जो है इस प्लेट पर जो है ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, और कुछ टाइम टी के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं आफ्टर टी टाइम, क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर इन प्लेट्स के ऊपर कोई ना कोई वोल्टेज आ जाता है, तो जो वो वोल्टेज आ जाएगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। जाहिर सी बात है मिनिमम से होता 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 वो कुछ टाइम के बाद जो है वो मैक्सिमम तक तो पहुँचेगा ही। और हमें ये भी मालूम है कि जब हम बैटरी लगा दें तो प्लेट्स पर जो चार्ज स्टोर होता है वो प्लेट्स पर वर्क की सूरत में स्टोर होता है। जैसे कि हम लोगों ने शुरू में बात की थी जब हम लोगों ने कैपेसिटर्स के बारे में समझा था कि किसी भी प्लेट पर चार्ज डिलीवर करते हैं जब बैटरी के साथ लगा कर, तो एक किस्म से एक तरह से बैटरी को जो है वर्क करना पड़ता है प्लेट्स के अंदर प्लेट्स पर चार्ज स्टोर करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर यह वाला ही जो रिलेशनशिप है इस्तेमाल करूँ जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का है, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होता है हमारे वर्क जो हमने किया है और जितना चार्ज उस वर्क से स्टोर हुआ है इन प्लेट्स के ऊपर जब हम लोगों ने इसे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो ये हमारा रिलेशनशिप आ जाता है। अब हमें ये मालूम है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिनिमम से कम से होता होता जो है कुछ टाइम टी के बाद मैक्सिमम हुआ है, तो मुझे इस V की जगह यहाँ पर V एवरेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पोटेंशियल डिफरेंस का एवरेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का एवरेज ले लेना चाहिए, जो इसकी मिनिमम और इसके मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज और मिनिमम वोल्टेज का एवरेज होगा। इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। हमें मालूम है कि मिनिमम वोल्टेज वो वोल्टेज था जब हम लोगों ने स्विच को कनेक्ट नहीं किया था, या अगर उसे कनेक्ट किया था तो उस वक्त प्लेट्स पर बहुत ही कम इतना कम चार्ज आया था कि उसे हम लोग इक्वल टू ज़ीरो कह सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं इसे इक्वल टू ज़ीरो कह दूँ इस चीज़ को, तो यहाँ पर मेरे पास वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो मेरे पास जो वी एवरेज है, वी एवरेज मेरे पास 1/2 वी आ जाएगा। इस वी मैक्सिमम को अगर मैं खाली वी भी लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या लिख ही लेते हैं मैक्सिमम, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब इसका मतलब है मुझे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की जगह वी एवरेज लिख लेना चाहिए, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का एवरेज है। ये मेरे पास वर्क डन और जितना चार्ज इस वर्क डन से स्टोर हुआ है वो। वी एवरेज की जगह यहाँ पे अगर मैं 1/2 वी मैक्सिमम लिख लूँ तो ये वी मैक्सिमम डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू के इक्वल आ जाएगा। अब अगर मुझे ये पता करना हो कि हमारे इस पूरे काम के दौरान हमारा वर्क कितना हुआ है, तो उसे मैं इस तरीके से कर सकती हूँ कि हमारा जो वर्क किया गया है वो 1/2 वी मैक्सिमम जो है, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लिखना चाहिए था उसे इस तरीके से, ये वी मैक्सिमम इंटू क्यू, क्यू चूँकि हमारे वर्क के नीचे डिवाइड हो रहा था और इस तरफ गया तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं इस वी मैक्सिमम को आसानी के लिए खाली वी लिख लूँ ताकि हमारा ज़रा एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा आसान हो जाए, तो ये 1/2 वी इंटू क्यू आ जाएगा। इस क्यू को अगर देखा जाए, हम जब बात करते हैं प्लेट्स की, दो ऐसी प्लेट्स जिन्हें बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया हो, तो हमें मालूम है कि उस बैटरी की जितनी भी चार्जिंग है, जितने भी वोल्ट है उसके अंदर, ये उसका वोल्टेज है, इस वोल्टेज की वजह से इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर हो जाता है, और जो चार्ज स्टोर होता है वो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इनटू जो इस पे वोल्टेज होता है उसके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर यही वाला वैल्यू पुट कर दूँ इस क्यू के अंदर, तो ये 1/2 वी इंटू सी वी आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर जो वर्क डन है वो 1/2 सी वी स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने गॉसस लॉ पढ़ा था तो उसकी एक एप्लीकेशन थी कि जब दो डिफरेंट प्लेट्स हों और उसे हम लोगों ने बैटरी के साथ कनेक्ट किया और उन प्लेट्स के ऊपर डिफरेंट चार्ज आ जाए, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो उस सिचुएशन में जो है हमारे पास होता ये है कि इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड आ जाती हैं ई, तो इस तरीके से हमारे पास वोल्टेज का एक और रिलेशनशिप जो हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम करते हुए, वो वी इज़ इक्वल्स टू ई डी था। डी हमारा पोटेंशियल जो है वो था हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हमारा चार्ज ट्रैवल करता है, और ई जो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता था। बेसिकली ई हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था और वी हमारा वोल्टेज था जो बैटरी ने इन प्लेट्स को दिया था। अगर अब मैं यहाँ पर भी यही वाली वैल्यू पुट कर लूँ, क्योंकि कर सकती हूँ, यहाँ पर भी कैपेसिटर में दो प्लेट्स इस्तेमाल की जाती हैं और उन दो प्लेट्स को जो है वो वोल्टेज बैटरी देती है, यहाँ पर भी हमारे पास वी का रिलेशनशिप बन जाता है, बिल्कुल गॉसस लॉ की एप्लीकेशन से थोड़ा मिलता जुलता। तो अगर मैं यहाँ पर वी की वैल्यू लगा लूँ जो कि ई डी है, तो ये ई डी स्क्वायर हो जाएगा इंटू सी इंटू 1/2, तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया। अगर अब मैं इसे मज़ीद आगे सॉल्व करती चली जाऊँ और अगर मैं अब C की वैल्यू पुट करूं जो हम लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक के साथ और उसके बगैर, पहले तो डाई इलेक्ट्रिक के बगैर जो वैल्यू हम लोगों ने C की निकाली थी, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में निकाली है, ये है वो वैल्यू C इज़ इक्वल्स टू हमारे पास एप्साइनॉट ए डिवाइडेड बाई डी, हमारे पास ये वैल्यू थी एप्साइनॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी, ये हमारे पास C की वैल्यू थी और V की वैल्यू हम लोगों ने ई डी पुट कर दी। तो हमारे पास जो वर्क डन आया है 1/2 सी की वैल्यू पुट करने से एप्साइनॉट ए डिवाइडेड बाई डी इंटू ई स्केयर और डी स्केयर, चूँकि वोल्टेज का स्केयर था इसलिए हम लोगों ने ई स्केयर इंटू डी स्केयर कर दिया। अब अगर देखा जाए तो इसका डी इसके एक स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास 1/2 एप्साइनॉट ए इंटू डी इंटू ई स्केयर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जो हमारे पास वर्क डन की है या एनर्जी की है। वर्क को हम एनर्जी के फॉर्म में भी कहते हैं कि वर्क जो है एनर्जी की ही एक किस्म है। तो अगर यहाँ पर मैं यू लिख दूँ, यू चूँकि एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर 1/2 एप्साइनॉट ए डी ई स्केयर आ जाएगा। ये वो वैल्यू है जिससे हम किसी भी कैपेसिटर के अंदर स्टोर की गई एनर्जी को मालूम कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन से भी, इससे भी, इसे कह देते हैं ये नंबर वन, इस एक्सप्रेशन से भी मालूम कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से भी मालूम कर सकते हैं, और जो फाइनल हमारे पास आया है इसे नंबर थ्री कहना चाहिए, इस एक्सप्रेशन से भी हम किसी भी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी मालूम कर सकते हैं कि उस कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर की है। उसके लिए हमें बेसिकली उस कैपेसिटर की जो है कैपेसिटेंस का पता होना चाहिए, उसके वोल्टेज का पता होना चाहिए। अगर वोल्टेज का नहीं पता तो हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का पता होना चाहिए, उसके जो पोटेंशियल जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है उसका पता होना चाहिए, प्लेट्स के एरिया का पता होना चाहिए और एप्साइन नॉट का पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने एप्साइन सी की वैल्यू निकाली थी जब एप्साइन नॉट के साथ, तो हम लोगों ने एक और बात की थी कि अगर डाई इलेक्ट्रिक पुट कर दिया जाए
डाईइलेक्ट्रिक बेसिकली कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है। इंसुलेटर्स को भी हम लोग एज अ डाईइलेक्ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। डाईइलेक्ट्रिक में हम लोग जो है वो पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई वैक्स पेपर, कोई ऑयल पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, रबर, वुड और इवन एयर को भी हम डाईइलेक्ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जियोलॉजी में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं जिन्हें हम लोग डाईइलेक्ट्रिक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं अर्थ वगैरह में, और इसके अलावा डिफरेंट काम होते हैं जिनमें हम लोग मिनरल्स को भी एज अ डाईइलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। तो डाईइलेक्ट्रिक सिर्फ यही नहीं होता कि हम लोग प्लास्टिक पेपर वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डाईइलेक्ट्रिक के तौर पर एक्ट करती हैं। डाईइलेक्ट्रिक बेसिकली किसी भी चीज़ की जो है अगर कैपेसिटर में इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर रहा है। बेसिकली ये पावर इंक्रीज़ करता है किसी भी चीज़ की। अगर मैं कैपेसिटर में इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर देगा। अगर मैं ये कहूँ कि हम लोगों ने इसी एनर्जी स्टोर करते हुए ही हम लोगों ने कैपेसिटर के दरमियान कोई भी कैपेसिटर लगा, वो जो है डाईइलेक्ट्रिक लगा दिया है, इस तरीके से हमारी दो प्लेट्स थी उनके दरमियान मैंने यूँ करके एक कोई शीट रख दी है, कोई वैक्स लगा हुआ पेपर एज अ डाईइलेक्ट्रिक रख दिया है, तो अब जो है इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो कैपेसिटेंस है वो इसकी वो इस तरह से आ जाएगी, वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास एप्साइन नॉट एप्साइन आर ए डी डिवाइडेड बाई हमारे पास जो है बल्कि इस तरह से ए डिवाइडेड बाई डी, ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई, चूँकि अब हम लोगों ने डाईइलेक्ट्रिक पुट कर दिया। तो इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर मेरे पास 1/2 एप्साइन नॉट एप्साइन आर ए डी ई स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास डाईइलेक्ट्रिक है, ये हमारे पास वैक्यूम के साथ वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास डाईइलेक्ट्रिक के तौर पर वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आपको इसकी एनिमेशन दिखाती हूँ कि हम लोग जो कैपेसिटर्स हैं इस्तेमाल करते क्यों हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास कैपेसिटर जो है वो इस शेप में होता है जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इस कैपेसिटर के ये जो दो वायर्स हैं ये उस वक्त तक की कैपेसिटर बेकार है जब तक कि इसके अंदर चार्जिंग नहीं, अगर इसके अंदर चार्जिंग ज़ीरो है तो ये कैपेसिटर हमारे किसी भी काम का नहीं। लेकिन अगर मैं इस चार्जिंग को ज़ीरो ना होने दूँ बल्कि इस कैपेसिटर को किसी एक बैटरी के साथ यूँ कनेक्ट कर दूँ कुछ देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि कोई टाइम रखा जाए, 2-3 मिनट तक भी, अगर मैं ये छोटा सा कैपेसिटर है इसे कोई 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर मेरे पास इस तरह की एक बैटरी है, मेरे पास 6 वोल्ट की उस 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जो है मैंने इस कैपेसिटर को लगा दिया और मैंने 1 से 2 मिनट रखे तो ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। जब इसकी चार्जिंग ज़ीरो हो तो इस कैपेसिटर को आप किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट करें। यहाँ पर अगर आपको एक छोटा सा बल्ब ही यूज़ कर लें, ये बल्ब है आपके पास एक छोटा सा, इसके साथ जब आप इसकी दो वायर्स लगाएंगे तो ये कभी भी लाइट नहीं करेगा। लेकिन जब इसको चार्ज करके आप रख लेते हैं, कैपेसिटर को बैटरी के साथ लगा दिया है, अब ये चार्ज हो गया है, तो इसके अंदर जो चार्जिंग है बैटरी के उतारने से भी ज़ीरो नहीं होती, बल्कि यही तो इस कैपेसिटर का मेन फंक्शन है कि चार्जिंग इसके अंदर स्टोर रह जाती है। और जब इस चार्ज कैपेसिटर को आप किसी भी बल्ब के साथ, जैसे कि यहाँ पर एक बल्ब था, उस बल्ब के साथ लगा देते हैं तो ये बल्ब जो है फिर ग्लो करना शुरू कर देता है क्योंकि अब ये कैपेसिटर चार्ज है। तो इस तरीके से कैपेसिटर के अंदर जो है वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। यही तो बात है कि डिफरेंट कैपेसिटर्स को हम लोग जो हैं पहले बनाते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उनको चार्ज करते हैं, फिर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप इस एनिमेशन में देखें कि ये हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो कैपेसिटर्स हैं जिन्हें सीरीज़ में जोड़ लिया गया है। अब सीरीज़ में जोड़ लिया गया है और ये हमारे पास सीरीज़ में जोड़ लिया गया और अभी हम लोगों ने इसे बैटरी से नहीं लगाया, ये तीनों आपस में इस तरीके से सीरीज़ में जुड़े हैं। इसे आप जब बल्ब के साथ लगाते हैं तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता, कोई भी लाइटिंग नहीं आती क्योंकि आपके कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग ही ज़ीरो है, आपने इसे चार्ज ही नहीं किया। बट जैसे ही आप इन तीनों कैपेसिटर्स को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास एक बैटरी थी उसके दो टर्मिनल के साथ हमने इनकी दो वायर्स के टर्मिनल रखे और कुछ देर तक रखे तो ये चार्ज हो गए। उसके बाद अगर मैं दोबारा इसे इस बल्ब के साथ लगाऊं तो आप देख सकते हैं कि अब ये बल्ब जो है ग्लो करेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे जो कैपेसिटर्स हैं वो चार्जिंग में एक्ट करते हैं, इस तरीके से इनके अंदर जो है वो चार्जिंग स्टोर हो जाती है और इस तरीके से हम लोग जो है अपने कैपेसिटर्स को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर और डिफरेंट चीज़ों को जो है पावर वगैरह, एनर्जी वगैरह देने के लिए।